हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो रेलवे ने जो है एक आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो बताया कि जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दे पाया या जिनके एग्जाम जो है आगे होने वाले हैं, उनको एडमिट कार्ड जो है वो कैसे भेजा जाएगा और क्या कुछ प्रोसेस जो है वो रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको जो है वो सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहां पर मैं लगातार SSC, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो आपके सामने अभी जो ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, ये है आज का नोटिफिकेशन जो कि रेलवे द्वारा जो है जारी किया गया। यहां पर ये बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट हैविंग CBT फॉर लेवल 1 पोस्ट, मतलब ग्रुप डी की जो पोस्ट है जिनका एग्जाम 18, 19 और 20 तारीख को है और वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो एडमिट कार्ड है वो SMS और मेल के जरिए जो है उनके ईमेल आईडी पर जो है वो सेंड किया जाएगा, और जो लिंक सेंड की जाएगी वहां पर उस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आ रहे हैं, लिंक ऊपर नहीं हो रही है, उनको जो है वो पर्सनली ईमेल भेजा गया है। तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए जिनके एग्जाम जो है वो 18, 19 और 20 तारीख को है। साथ में ये बोला गया है कि आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके उस एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ओरिजिनल फोटो आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जो है वो एग्जाम देने पहुंचना है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप जो है वो ध्यान में रखिए। आगे आज के एक न्यूज़पेपर में जो है वो ये दैनिक भास्कर की आज की कटिंग है, इसमें ये बोला गया है रेल भर्ती परीक्षा में जो प्रवेश पत्र थे वो नहीं निकलने के कारण क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं RRB मध्य प्रदेश का जो मंडल है वहां पर जो है वो लगभग 38% लोगों ने जो है वो पेपर नहीं दे पाया, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ था। तो जो CPRO है रेलवे की, उन्होंने ये बोला है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो परीक्षार्थी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको फिर से परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, यदि आपका आप जो है वो 17 तारीख को एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आपको जो है वो फिर से पेपर देने का यहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाए थे। साथ में जो युवक जो परीक्षा में शामिल होंगे उनको बाकायदा आने जाने के टिकट का भुगतान भी किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यूज दी गई है आज के न्यूज़पेपर में, और एडमिट कार्ड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं ऐसे ही देता रहूंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।